फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूँ ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आई बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। जो लोग अंडा नहीं खाते शाकाहारी हैं, और लोग कुछ लोग मानते हैं कि बिना अंडे के प्रोटीन की पूर्ति नहीं होती शरीर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो शाकाहारी फूड्स हैं और जिससे आप प्रोटीन बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर लोग शाकाहार में प्रोटीन से भरपूर जिसकी मात्रा है उसके बारे में नहीं जानते हैं, और ये सोचते हैं कि अंडा खाना बहुत ज़रूरी है, उससे मसल शक्ति होती है, स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं और शरीर से सेहतमंद होता है, सुडोल होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन का बहुत बड़े सोर्स आपको जो है इसके अंदर वेजिटेरियन के अंदर भी मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो हम शाकाहार से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्विनोवा यह एक साबुत अनाज होता है। एक कप क्विनोवा को लगभग 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में फाइबर से भरपूर होते हैं और जो आपकी आंतों को हेल्दी रखने का काम करता है। यह नेचुरल रूप से ग्लूटेन फ्री होता है और क्विनोवा को चावलों की तरह ही पकाया जाता है। खाने का क्रेज जो है भारत के लोगों में अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये आसानी से मॉल्स वगैरह में आपको खुले फूड्स आउटलेट के रूप में मिल जाएगा, और कॉमर्स वेबसाइट में भी आप क्यों ना सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। अमेरिका में इसका इस्तेमाल केक बनाने के लिए खासतौर पर किया जाता है। क्यों ना ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। इसे खाने से प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्विनोवा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए हेल्थ कॉमन के लिए बहुत ज़्यादा जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को हेल्दी रखना चाहते हैं और हर तरह के फूड्स खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। क्विनोवा खाने के जो फायदे हैं वो ये है कि सुबह सुबह आप जो है इसको नाश्ते में खा सकते हैं। जिसे वेट लूज करना है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। दूसरा है सफ़ेद चने। तो आप मान लीजिए कि प्रोटीन के लिए आपको अंडा खाना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, आमतौर पर एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन हो पाया जाता है, लेकिन कई खाद्य पदार्थ जैसे सफ़ेद चने, छोले, इनका सलाद या सूप बनाकर पिए, अगर आप आधा कप चने भी खाते हैं तो इसमें 8 ग्राम प्रोटीन होता है। पोषक तत्वों की भरमार है सफ़ेद चने में। इसको जो छोले हैं, चिट्टे छोले भी कहते हैं, सिक्की भी कहते हैं, भूख पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत अच्छा है, और जिन्हें भूख ज़्यादा लगती है ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर वैसे नहीं खा सकते तो बॉयल करके खाएं। इसकी आप हमारे यहाँ तो चाट बनाकर भी खाई जाती है इंडिया में, तो आप सूप बनाकर भी खा सकते हैं। और वज़न अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं और नियंत्रण रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सफ़ेद चने का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखता है और गंभीर बीमारी में भी आपकी रक्षा करता है। यही कहूँगी कि शाकाहारियों के लिए चना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। दालों का जिक्र करते ही चने का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा हमें बताने जा रही हूँ, हमारे आम घरों में ऑलरेडी इंडिया में बनाया जाता है मसूर दाल। मसूर दाल प्रोटीन का एक बेहतर स्रोत है और इसे आधा कप दाल में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत ही जल्दी गल जाती है और बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी इसे हम खा सकते हैं। मसूर दाल में फाइबर बहुत अच्छा होता है, जिससे कुछ मात्रा में घुलनशील फाइबर और बहुत ही मात्रा में अघुलनशील फाइबर शामिल है। लाल मसूर में विटामिन ए, के, सी, विटामिन बी और फोलेट जैसे तत्वों की अधिक मात्रा होती है। कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, मैंगनीज, तांबे, सेलेनियम जैसे खनिज दाल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के अलावा मसूर दाल में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर के मुक्त कणों को नष्ट करने में मदद करते हैं। इन काल से ही हमारे भारतवर्ष में ऐसी मान्यता रही है कि मसूर की दाल का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, क्योंकि ये बीमार आदमी को भी देने में अच्छी रहती है। इसकी तासीर गर्म होती है और दूसरी दालों के मुकाबले ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, तो फ़ायदेमंद है ही। सीताफल घर घर बना कर खाया जाता है, लेकिन इसके बीज इससे भी ज़्यादा सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और प्रोटीन से भरपूर है। कद्दू के बीज पुरुषों के लिए बेहद उपयोगी माने जाते हैं और वैद्य लोग हमारे यहाँ दवाइयों में इसको मिलाकर देते भी हैं। लगभग 30 ग्राम कद्दू के बीजों में 8 ग्राम से भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यह आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप लड्डू में, दलिए में डालकर इसे खा सकते हैं।
के बीजों को कूड़े में फेंकने के बजाय अगर आपको पके बीज मिल जाते हैं तो इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। कद्दू के बीज हृदय के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। दरअसल कद्दू के बीजों को पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो सिर्फ हृदय संबंधी रोगों के उपचार में मदद करता है बल्कि हृदय समस्याएं होने के बावजूद होने की संभावना को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो ये आपके लिए बहुत, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको मधुमेह है तो उसके लिए भी कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। कद्दू के बीज रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए बहुत फायदेमंद है ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए और प्रोटीन युक्त से भरपूर है। और आप लीजिए जो है आलमंड बटर, यानी आप इससे बनाकर बादाम से बटर तैयार कर सकते हैं। बटर जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। आलमंड बटर के 2 चम्मच में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। व्यायाम करने से पहले यह एनर्जी का बहुत बढ़िया जरिया है। इसे आप घर पर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको बादाम को ब्लेंडर करना होगा। इसके अलावा आप इसमें दालचीनी, जायफल, वेनीला अर्क या कोई करी पाउडर के साथ भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं और ये आपकी जो है डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। एक नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रोटीन के सोर्स हैं जो मैंने आपको बताया है। मैं इसी तरह की ज़रूरी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप किसी को शेयर ज़रूर करें जो आपके द्वारा वीडियो को पूरा देखने